तो दोस्तों ये फोटो देख रहे हो, ये वाली भाई, इस छोटे से प्रिंटर से ना अभी प्रिंट करते हैं। भाई लाइट जलाओ। दोस्तों लेके आ गया हूँ आपके लिए एक मस्त वीडियो, जहाँ पर हम बात कर रहे वाले टॉप 10 टेक गैजेट्स की, और ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। भाई मस्त मस्त गैजेट हमने बाय करे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10 गैजेट है जो हमने अलग अलग साइड से बाय करे। तो पहला जो प्रोडक्ट है ना भाई, उसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अंदर है क्या। व्हाइट व्हाइट मैचिंग मैचिंग। तो भाई ये हमने ऑर्डर करी थी एक सोलर कैप, और भाई काफी कूल चीज है। वैसे तो अब सर्दी आ गई है, लेकिन भाई यूज करने में बहुत सही चीज है। तो भाई ऐसी कुछ कैप देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर देखो सोलर पैनल लगा हुआ है, छोटा सा इसमें एक दरार भी आ रखी है, और यहाँ पर भाई एक फैन लगा रखा है जो मुझे लगता है भाई चलेगा ही नहीं, क्योंकि अटक रहा है इसके अंदर, और क्वालिटी कुछ ऐसी धागा फंस रखा है इसके अंदर। एक बार ना चला के देखते हैं, वैसे अभी चला के देखता हूँ, अभी तो भाई बिल्कुल भी इसमें चार्जिंग नहीं है, आई थिंक धूप में जाना पड़ेगा, फिर चला के देखते हैं और कैसी लुक आती है, पहन के कैसी लगती है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैं बाहर गया था इस कैप को लगा के, लेकिन भाई सूरज देवता है ही नहीं दिल्ली के अंदर, भाई धूप है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने जुगाड़ करा अल्टरनेटिव। भाई लाइट जलाओ, भाई मस्त हवा रही है, इतनी हवा आ रही है कि मैं ठंड से कांप रहा हूँ भाई। मतलब एक लाइट का सोर्स चाहिए फिर उसके बाद चलेगा, मतलब दूसरे स्टेट में आप लगा सकते हो, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ेगा। देख रहे हो फैन चलता है, मतलब इस पर रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पर सोलर जो पैनल है ना इस पर अगर रोशनी पड़ती है तो भाई, तो हाँ हल्की फुल्की अगर आप धूप में घूम रहे हो या फिर तेज धूप है तो देखो छाव तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की हवा फेंकता रहता है। अब इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, अगर थोड़ी सी खास बनाई होती, इनकी जो डिजाइन अच्छी होती तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता, लेकिन थोड़ी सी जो बनावट है ना, ये देखोगे ना सामने से एकदम फ्लैट है, और ये पंखा इसके अंदर लग रहा है तो भाई चल ही नहीं रहा, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना अगर आप बाय करने की सोच रहे हो। दोस्तों दूसरे गैजेट की बात करते हैं, और ये ना आई थिंक वो स्पीरिंग पैन है, क्योंकि मुझे फील हो रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हर चीज देखनी पड़े। भाई ऐसे कुछ पैकेट के अंदर है, ओपन करते हैं। अब ये जो पैन है ना भाई, वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग से चल रहे थे, शॉर्ट्स वगैरह में भी देख रहा था, लोग काफी वीडियोस बना रहे हैं। भाई हमने मंगा लिए, और लेट्स सी भाई कैसे आते हैं। आई थिंक एक तो टूट ही गया है इसमें से, तो एक टूट गया, दो टूट गए आई थिंक, भाई ये दो टूटे हुए निकले इसके अंदर, दो को ही एक बार चला के देख लेते हैं कैसे चलते हैं ये। तो उसमें बोला गया था कि भाई ऐसे रखो और इसको ना ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। तो वीडियो तो भाई काफी सारे लोगों ने बना रखी है, और मैं सिर्फ इसको ना भाई बैलेंस कर पा रहा हूँ इसे उंगली पे, वो भी मुश्किल हो रहा है, और घुमाना सीख रहा था मैं, मतलब ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो भाई बस डांडिया खेलने काम आएगा, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, एक तो टूट गया और ऐसे कर रहा हूँ तो ये once more। तो नेक्स्ट गैजेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये है अपना थर्ड गैजेट, अब ये छोटा सा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये बड़ा हो जाता है, करते हैं इसको ओपन, वैसे है काफी काम की चीज, इतना छोटा सा है, अब इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे मुझे पता है। बस यहाँ पर ना भाई इसका एक हुक दे रखा है, इसको ओपन करना है, और ये देखो जादू, और काफी ज्यादा मजबूत भी है, मतलब है तो इसमें पत्तियां ऐसी लगा रखी है, लेकिन भाई ये खुल जाता है, और अब इसको फोल्ड करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रहा है, छोटा नहीं होता ये, बड़ा तो जाता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो वो ये स्टिक है यार, ये छोटी बड़ी हो जाती है, अपने कार वार में रख लेते हैं लोग, लेकिन मैं किसी को भी ऐसी चीज को बढ़ावा देता नहीं हूँ, बस अपना हाथ और घूसों का इस्तेमाल करो, इन चीजों का मत यूज करो। वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो है कुछ 250 रुपए के आसपास, और ये हमने अमेजोन से बाय करी थी। और दोस्तों ये है अपना फोर्थ गैजेट, भाई ये भी काफी यूजफुल चीज है, तो हमने बाय करी अमेजोन से, और इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ भाई है क्या इसके अंदर। तो भाई ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये उन जगह को साफ कर देती है जहां पर आपकी उंगलियां झाड़ू या फिर कोई और चीज नहीं पहुंच पाती, तो ये ना वो जेली नहीं होती जो आपने काफी वीडियोस में देखी होगी, तो भाई डस्ट को रिमूव करती है या फिर नहीं करती है, तो आज मैं ना उसका टेस्ट भी लेने वाला हूँ कि कितनी डस्ट ये निकालती भी है। तो पहले ना कीबोर्ड को साफ करके देखते हैं इस वाले से, और फिर ना बाद में कार वगैरह को भी साफ करके देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। भाई खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है इसकी, निकाल लेते हैं जल्दी से, कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा है। अब देखो कीबोर्ड ना, देखो कीबोर्ड तो पूरा गंदा है, यहाँ पर डस्ट भी आ रखी है, और अंदर भी आई थिंक जहाँ पर है भाई डस्ट वगैरह होगी, तो एक बार साफ करके देखते हैं, और ना अभी ये एकदम साफ सा है, गंदा नहीं हो रखा, और क्या पता ये धुल भी जाता हो, लेट्स चेक कि भाई कितना साफ करता है। पर जितना मैं मतलब सॉफ्ट समझ रहा था ना, उतना सॉफ्ट नहीं है, मतलब मैं सोच रहा था कि अंदर तक चला जाएगा अपने आप, लेकिन अंदर अपने आप नहीं जा रहा, मतलब हमें धक्का देना पड़ रहा है इसको।
इतना तो मैं कपड़े से भी साफ कर लेता हूँ। कीबोर्ड तो आई थिंक इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा साफ। तो दोस्तों 200 ग्राम का एक पैक है, आई थिंक मैंने दो बाय करे हैं 300 रुपए के आसपास, तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लग रहा भाई। कीबोर्ड वगैरह तो भाई कपड़े से साफ हो जाएगा, बाकी कार वगैरह का अगर हुआ तो मैं डाल दूंगा बीरोल अगर ये साफ करता है तो, बाकी कपड़े से साफ करो ये तो नकली चीज। और दोस्तों ये है अपना नेक्स्ट गैजेट, और ये भी हमने अमेजोन से बाय करा है। ये है स्मार्ट सोलर लाइटर, ना बिजली से ना बैटरी से भाई, ये चलेगा सिर्फ धूप से। ओपन करते हैं इसे जल्दी से, बस ये सब कुछ निकलता है इसमें। तो भाई ये कुछ ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस करना है और ऐसे डालना है और धूप का इंतजार करना है, जो कि दिल्ली में आने दिया आजकल। अब इसको ना ऐसे यूज करने के लिए ना भाई बस धूप में रखना है, और यहाँ पर अगर आप कागज वगैरह रखोगे ना तो वो जलने लगता है। तो भाई आउटडोर में चलते हैं और धूप आ रही होगी ना तो इसे ट्राई भी करते हैं। तो दोस्तों हम बाहर गए ना जब इसे यूज करने के लिए, तो देखा भाई सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो कर रहा था। हमने पेपर में धुआं तो निकाल दिया था लेकिन आग नहीं लग पाई, लेकिन अगर सनलाइट पूरी होती तो डेफिनेटली भाई जल जाता इससे कागज। तो सर ये है अपना नेक्स्ट गैजेट, और ये है भाई एक सोलर लाइट वाली कार, और ये देखने में लगती है ना, देखो दिखाता हूँ भाई, ओपन करते हैं इसे पहले। तो भाई ये सोलर लाइट की वजह से चलती है ना बैटरी, और ना ही बिजली इसमें, ना सेल बैटरी कुछ नहीं डलता, अपने आप चलती है। देखने में तो भाई एकदम थार की तरह लगती है, ब्लैक रंग की फोर्ड और थार, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ चलती कैसे। तो दोस्तों मैं बाहर गया था भाई, बाहर इतनी रोशनी नहीं है कि ये चल पाए, तो यहाँ पर हमने सूरज देवता का प्रबंध कर दिया इस वाली लाइट से। अभी ऑन करके दिखाता हूँ, अब देखो ये नॉर्मल लाइट में तो चलती नहीं है, लेकिन बस ब्रेक यही है कि भाई लाइट छोड़ दो इसके ऊपर से। अब इसको यहाँ से एकदम 200 की स्पीड में भगाता हूँ मैं। यहाँ पर मतलब हो क्या रहा है, सोलर लाइट ऊपर है, छोटी सी मोटर लगी हुई है इसके अंदर भाई, जैसे देखो इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो भाई ये घूमने लगती है। और मोटर का साइज दिखाऊंगा ना, आप भी कहोगे भाई कितनी छोटी है, और जैसे जैसे लाइट इसके पास आती है ना भाई और तेज आती है इसकी स्पीड। तो आई थिंक बच्चों के लिए बहुत सही चीज है, मतलब बस धूप होनी चाहिए थोड़ी सी और ये मतलब फ्रीली मूव करती रहेगी। और गाइस ये है अपना भाई सबसे महंगा प्रोडक्ट, और इतना कूल है ना, मतलब आप भी देखोगे ना तो कहोगे भाई क्या मस्त चीज है। ओपन कर लेते हैं इसे, मुझे तो पता है भाई क्या है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने ऐसी चीज मुश्किल ही देखी होगी। तो भाई यहाँ पर हमने पांडा मंगा लिया चाइना से, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ये एक मिनी प्रिंटर है, और यहाँ पर ना ये थर्मल प्रिंटिंग करता है, आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद भाई मस्त मस्त चीजें आप प्रिंट कर सकते हो। ओपन करते हैं, देखने में तो एकदम छोटा टीवी सा दिखाई देता है, लेकिन प्रिंटर है ये। तो जल्दी से इसे सेटअप कर लेता हूँ, फिर टेस्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो अपना इस प्रिंटर को हमने भाई ओपन तो कर लिया था, अब इसको सेटअप भी बताता हूँ कितनी इजीली कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, पैरी पैरी करके इसका नाम है, प्ले स्टोर और iOS दोनों में मिल जाएगी। देखो मैंने आईफोन में करी है, और ना इसको ना कनेक्ट करा लेना ब्लूटूथ ऑन करके, बस इजीली हो जाता है। इसके अंदर आपको एक रोलर मिलता है इस तरीके से, और भाई इसको आप लगा दो यहाँ पर, और यहाँ से ऑन हो जाता है। और एक चीज और बता दूं आपको, अगर ये रेड लाइट आए ना यहाँ पर बार बार, तो उसका जो पेपर है ना वो यहाँ पर आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हो गई थी, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, अब देखो ग्रीन लाइट आएगी। और इसमें ना आप फोटोज प्रिंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। चलो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे जाना फोटो प्रिंटिंग पे, ठीक है, ये हमने फोटो सिलेक्ट करी, और यहाँ पर आता कंफर्म का ऑप्शन, और यहाँ पर बस प्रिंट कर देना, और बस यहाँ पे प्रिंट करोगे ना भाई, देख रहे हो, और ये हमारी जो फोटो है ना भाई प्रिंट हो गई है, काफी ठीक हुई है। मतलब ऐसे देखोगे ना तो भाई काफी सही फोटो आ जाती है इसके अंदर। ऑब्वियसली बात है 2500 रुपए के अंदर आता, तो भाई ऐसी कुछ आपको फोटो देखने मिलेगी। ये काम करता है जैसे आपकी टिकट वगैरह होती है ना, जैसे प्रिंट होती है वैसे कुछ काम करता है, लेकिन क्वालिटी फिर भी इसकी काफी बढ़िया है। और ऐसे नहीं, हमने कुछ स्कैनर वगैरह भी प्रिंट करें ऐसे हो जाते हैं, और भी कुछ फोटोज हैं जो हमने प्रिंट करी हैं, और कलरफुल फोटो अगर प्रिंट करते हो तो भाई वो कुछ ऐसी आती है। तो मैं यही बोलूंगा ब्लैक एंड वाइट करना काफी बढ़िया आती है। आई नो काफी लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर इंक कौन सी डलती है, तो भाई बता दूं ये इंक लेस है, इसमें कोई भी इंक नहीं डलती, थर्मल प्रिंटिंग से भाई प्रिंट होता है, तो यहाँ पर इंक की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कुछ फोटोज ऐसी आती है बिना इंक के।
और ये है भाई अपना अगला प्रोडक्ट। ये थोड़ी सी अलग चीज़ है और यहाँ पर ना भाई इसका काम अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बता दूँ ये एक एम्बोजिंग टूल है या फिर एम्बोजिंग मशीन बोल सकते हो, जहाँ पर अगर आपको कहीं लेबल वगैरह लगाना ना किसी प्रोडक्ट पर, जहाँ पर आपको नाम वगैरह लिखना हो किसी चीनी के डब्बे पे, नमक के डब्बे पे, तो भाई आप इजीली कर सकते हो। इससे मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे ना भाई एक डायल बना हुआ है जहाँ पर आपको लेटर्स लिखे हुए और इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पर ना एक मतलब अंदर एक टेप लगी हुई है जो डबल साइडेड है और आपको बस प्रेस करना है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी करते हैं कुछ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भाई टाइप हो जाता है और देखो यहाँ पर हमने सब्सक्राइब लिखा है, इसमें डबल साइडेड टेप भी आती है, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। वैसे बता दो इसका जो प्राइस है वो लगभग 900 रुपए के आसपास है, लेकिन भाई कम ज्यादा होता रहता है, कभी 500, कभी 450 और कभी कभी 900 रुपए के आसपास भी होता है। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों ये है अपना भाई सबसे सुपर कूल गैजेट, आजकल मतलब एग्जाम चल रहे हैं और काफी स्टूडेंट के काम आने वाला है ये पेन। भाई लिखने के बहुत काम आता है ये वाला पेन, लेकिन इस पेन के अंदर जादू शक्ति है, मतलब ये पेन भाई चीटिंग करने वालों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इस तरीके से पेन को खोलो, यहाँ पर कुछ भी लिखना भाई, अपना नाम लिखना या फिर कोई भी हाइलाइट्स लिखने, और उसके बाद जैसे टीचर आए तो बस ऐसे कर देना है गाइड सब कुछ। इसके अंदर भाई सब कुछ चला जाता है, जो मर्जी आप टाइप कर लो, इस पर लिख लो और टीचर के आते ही सब गाइड। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, 500 रुपये के आसपास है। आई थिंक ये 100-150 रुपये के आसपास होता तो जरूर स्टूडेंट बाय करते हैं, क्योंकि 500 रुपये तो वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, इतने अगर टीचर को दे देंगे तो कुछ हो जाएगा पता। अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब मेहनत करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो और रील कम देखा करो बस। एंड गाइज लास्ट नॉट द लीस्ट भाई एक प्रोजेक्ट और था जो कि टेक वाला नहीं है, लेकिन भाई आजकल वो चल रहा है तो हमने ये भी बाय करा था, और ये थोड़ा लेट आया तो वीडियो भी लेट आ गया। मैं भी देख रहा था कि क्या हमने ऑर्डर करा और क्या हमें मिलता है, थोड़ा सा खास है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगा था भाई कभी इतनी बड़ी लैंप होगी ये, और ये जलेगी नहीं जलेगी ये भी देखना है, मतलब ये हेलोइन लैंप है जो आजकल मतलब चल रहा है ना हेलोइन, तो भाई हमने सोचा मंगा के देख लेते हैं, और ये चल रही है भाई, काफी कूल लग रही है, मेरे को तो काफी सही लग रही है। अच्छी बात है छोटी है, बड़ी होती तो शायद इसे कूल नहीं लगती, और भाई बी रोल्स वगैरह में या फिर लुक देने में या फिर कहीं टांगने में नाइट लैम्प की तरह भी काम आने वाली है। वैसे बता दूं आई थिंक यहाँ पर सेल या फिर बैटरी डलती है पीछे की तरफ, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ पर ना ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है, छोटा सा एक बटन है और प्लास्टिक की है, काफी हल्की सी, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक सी नॉर्मल सी मिल जाती है, मेरे को काफी कूल लग रही थी इसलिए मैंने रख ली। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये शायद हमने बाय करी है आई थिंक 299 या फिर 300 रुपए के आसपास, और इन सभी गैजेट का ना भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर बाय करने हो तो वहां पर जाके आराम से बाय कर सकते हो। ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, अगर आपको कूल गैजेट वाली वीडियो काफी पसंद आई हो तो हाँ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक का बटन ऐसे छू देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।